पिछले एपिसोड्स में हमें बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिले थे, तो वैसे ही इस एपिसोड्स में भी बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिलते हैं। तो चलिए एक एक कर सब पे बात करते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है। तो मूवी इंसाइडर से मैं हूं मोहित, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, और हाँ घंटा जरूर बजा देना। इसी डिस्कशन में वो कैप्टन मार्वल का भी नाम लेते हैं और बताते हैं कि दोनों ही कैपेबल थी थैनोस को हराने में, और चूंकि दोनों को ही पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिला होता है, फिर भी केवल वांडा ही लग रही थी कि वो थैनोस को हरा सकती है। तो यह फैंस के लिए डिस्कसिंग टॉपिक है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी तक कोई भी सबसे पावरफुल है तो वो कैप्टन मार्वल है, क्योंकि उसे इन्फिनिटी स्टोन से पावर मिली है जैसा वांडा और विजन को मिली है। बट कैरोल इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि वह क्री हाइब्रिड है। और इसी सेम डिस्कसिंग में जब जिमी वू कैप्टन मार्वल का नाम लेता है, तो आप मोनिका के फेस को देखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन सब बोल देती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मोनिका का कैप्टन मार्वल के साथ कुछ लोचा है। साथ ही मोनिका की माँ मारिया कैरोल की अच्छी फ्रेंड थी, सो यह हो सकता है कि मोनिका अपनी माँ के लिए कैरोल को ही इनडायरेक्टली कसूरवार मानती हो, या फिर इसका कोई और रीजन हो सकता है जो कि हमें आगे के इवेंट्स में ही पता चलेगा। नेक्स्ट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ हमें फैंटास्टिक फोर का हिस्टोरिक मिलता है, जब मोनिका डॉर्सी से बोलती है कि वह एक एरोस्पेस इंजीनियर को जानती है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो वह यहाँ रीड रिचर्ड की बात कर रही है, जो कि फैंटास्टिक फोर में एक एरोस्पेस इंजीनियर है, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक कहा जाता है, और मार्वल ने एमसीयू में फैंटास्टिक फोर को कंफर्म कर दिया है। सो इस सीरीज में काफी कुछ हिंट्स फैंटास्टिक फोर का मिलता है। साथ ही अगर आप स्पेनिश सबटाइटल को देखोगे तो वह एक ओमेन का जिक्र है, ना कि मैन का। सो या डॉक्टर सुसेन स्ट्रॉम एक इनविजिबल ओमेन का रेफरेंस हो सकता है फैंटास्टिक फोर से। आगे हम देखते हैं कि विजन के पास किसी को भी स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब अवेक करने की पावर होती है, जो कि पहले उसके पास नहीं होती। तो यहाँ एक कॉमिक्स बुक हाउस ऑफ एम का स्टोरी है, जिसमें वांडा एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करती है और अपने हिसाब से कैरेक्टर्स को बनाती है। इस कॉमिक्स में लैला मिलर नाम की एक लड़की होती है, जो वांडा को किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का और एक टच द्वारा पोसेस्ड करने के बारे में बताती है, जिसका यूज वो एवेंजर पर करती है, जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी देखा है। और इस एपिसोड में हम विजन को भी ऐसा करते हुए देखते हैं। अब आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि जब विजन नॉन को टच करता है तो वहाँ येलो एनर्जी की फ्लैश दिखती है, ना कि रेड की, रेड जो कि वांडा की पावर है। सो इसका कनेक्शन माइंड स्टोन से हो सकता है। विजन को उसकी लाइफ और ह्यूमैनिटी कॉस्मिक माइंड स्टोन से मिली होती है, जिसने उसने अपने सिर पर रखा होता है, जो कि इन्फिनिटी वार में थैनोस ले लेता है और विजन को मार देता है। माइंड स्टोन का कलर भी येलो है, जैसा कि एनर्जी का था, और वांडा को भी अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली होती है। तो हो सकता है कि वांडा अपनी माइंड स्टोन की पावर का कुछ हिस्सा विजन को दिया हो, उसे पुनः जिंदा करते टाइम, जिससे विजन के पास भी अवेक करने की पावर आ गई हो। आगे एपिसोड की एक सीन में वांडा हेक्स रियलिटी से बाहर आती है और शॉर्ट का सामना करती है, और उन्हें वार्निंग देती है कि वो वापस लौट जाए। आपने गौर किया होगा तो वहाँ वांडा की सोकोवियन एसेंट को सुन सकते हैं। साथ ही यह भी कंफर्म हो जाता है कि वांडा वेस्ट व्यू की रियलिटी से वाकिफ है, और आपने गौर किया होगा तो उसकी कॉस्ट्यूम भी इंड गेम जैसी ही है, जिसे यह कंफर्म होता है कि यह इवेंट इंड गेम के बाद की है। वांडा हेक से बाहर आकर जो ड्रोन हॉवर्ड के सामने फेंकती है वह स्टार्क कंपनी का है। थोड़ा गौर करने पर स्टार्क का लोगो उस पर दिखता है, तो यह यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि सॉर्ड स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन्स को भी यूज करती है। इस एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, जो कि मैग्नेटो का रेफरेंस है। मैग्नेटो कॉमिक्स में वांडा पियट्रो का पिता है, तो इस सीन में जब वांडा सॉर्ड का सामना करती है तो उसका गेस्चर मैग्नेटो के जैसा ही होता है, जिसे हमने एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी में देखा है। अब भाई यह सीन तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है, आपका क्या ख्याल है इस रेफरेंस से, क्या हमें मैग्नेटो भी देखने को मिलेगा आगे? वहीं जब वांडा वेस्ट व्यू से बाहर आती है तो आप गौर करोगे कि शॉर्ट की स्क्रीन पर वांडा के सिटकॉम का सिग्नल बंद हो जाता है, मतलब अगर वांडा वेस्ट व्यू में है तो ब्रॉडकास्ट सिग्नल भी होगा। और पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एड दिखता है, जो कि फिर से वांडा के लाइफ से रिलेटेड है। इस एपिसोड में लायोस पेपर टॉवल का एड दिखता है, जो कि लायोस नाइजीरिया का रेफरेंस है, जहां कैप्टन अमेरिका मूवी में वांडा एक्सीडेंटली इनोसेंट पीपल से भरे एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही इसका टैगलाइन लायोस फॉर व्हेन यू मेक अ मिस यू डी डोंट मीन टू भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह सब कैप्टन को बचाने के चक्कर में होता है। साथ ही अगर आपको कमर्शियल में जूस काफी ब्लडी जैसा लग रहा है तो यह इंटेंशनली रखा गया है। वांडा विजन के सभी कमर्शियल सीधे वांडा से जुड़े हुए हैं, जहां स्टार्क टोस्टर बम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा, तो वहीं स्ट्रकर वॉच एक इविल मैन से है जिसने वांडा को उसकी पावर दी, और हाइड्रा सोक उसके और उसके भाई के ब्रेन वॉशिंग से। उसी तरह ब्लडी जूस लैगोस में मारे गए इनोसेंट पीपल से रिलेटेड है।
साथ ही लोगास एड का कनेक्शन विजन के साथ भी है। एड में जब मैन वाइन को गिराता है तो वाइन का कलर माइंड स्टोन के कलर जैसा ही है, जो कि विजन के द्वारा जर्मनी एयरपोर्ट पर हुए एक्सीडेंट का रेफरेंस है, जहां विजन के माइंड स्टोन पावर से घायल हो वार मशीन पैरालाइज हो जाता है। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।